हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइटर टोड्स का एक हास्यात्मक कॉमिक विशेषांक, लॉक किया जाए। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं भोले भाले मगर गजब के जाबाज फाइटर टोड्स का हास्य कॉमिक विशेषांक, लॉक किया जाए। फाइटर टोड्स मेरे साथ है 50-50, फास्टेस्ट फिंगर, हॉट सीट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, माउस और इंटरनेट। इनसे बचना है तो 1 करोड़ रुपयों से भरा वो सूटकेस मेरे हवाले कर दो, वरना ये तुम्हें पीट पीट कर तुमसे ये सूटकेस प्राप्त कर लेंगे। .com, एक तरफ तुम सब हो, एक तरफ हम सब है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। और ये सही जवाब, आप 1,000 रुपये जीत गए। मेरा भी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न 2,000 रुपये के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है। माता पिता की कमर स्कूलों की बढ़ती हुई फीस से झुक जाती है, और बच्चों की आपके ऑप्शन से ए स्कूल बैग से, बी टाई से, सी बेल्ट से और डी स्कूल बैग से, डी स्कूल बैग से, डी स्कूल बैग से। ये भी सही जवाब, आप 2,000 रुपये जीत गए। मेरा भी ये सही जवाब है। मास्टर ये सारे जवाब देता जा रहा है और हम नहीं दे रहे, ये सरासर हमारी बेइज्जती है। आपका अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, तेज हरी मिर्च खाने पर इनमें से कौन सा स्वर निकलता है? मास्टर ए सुसु, बी सीसी, सी हु, डी ही। मास्टर कंप्यूटर से पहले जल्दी बता, इसका जवाब देना मास्टर के तो क्या तुम्हारे तीनों के बस का भी नहीं है। इसका जवाब मेरा कंप्यूटर अभी देगा, ही। इसका जवाब देने का मेरे पास एक शानदार दिमाग वाला तरीका है। मैं ये मिर्च खाकर अभी जवाब देता हूं। सुनो कर्टर, नहीं बेवकूफ। सू सू आ सी सी, इसका उत्तर है बी सी सी। कर्टर का तरीका काम नहीं आया, पर डॉट कॉम का तरीका काम आ रहा था। मेरा आदमी लगातार जीत रहा है। अब आखिरी प्रश्न का भी सही जवाब देकर वो भी बन जाएगा करोड़पति। इस प्रकार 1-1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके मैं बन जाऊंगा अरबपति, ही। अबे टीपू तू भी हंस, ही। प्रॉब्लम बड़ी थी। पिछले 49 कार्यक्रमों में 49 कंटेस्टेंट ही बन चुके हैं करोड़पति। ये 50वां है और ये भी आखिरी प्रश्न का जवाब देकर करोड़पति बनने वाला है। अगर ऐसे ही हर कंटेस्टेंट करोड़पति बनता रहा तो हम कड़के पति बन जाएंगे, जैकपॉट चैनल बंद हो जाएगा मिस्टर याहू, और हमें तो भीख मांगनी भी नहीं आती। वो डोंट वरी मिस्टर जैकपॉट, वो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला कंटेस्टेंट करोड़पति नहीं बनेगा। मैं आखिरी वाला क्वेश्चन कंप्यूटर पर और भी मुश्किल बना देता हूँ। मगर जवाब वो भी सही था, सही जवाब। मुबारक हो, आप बन गए करोड़पति। तो फिर लाओ मेरा 1 करोड़ रुपया नकद, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर चेक नहीं कैश मिलता है, ही। बेड़ा गर्क, सत्यानाश, ये भी करोड़पति बन गया। धाड़ मिस्टर जैकपॉट, प्लीज ऐसा ना करे। ये करोड़पति के सेट वाले गत्ते का नकली खंबा है, टूट जाएगा तो 2,000 रुपये का नुकसान फोकट में ही हो जाएगा। तो तू क्या चाहता है कि मैं असली वाले खंबे पर अपना सिर असली में फोड़ लूं? इससे पहले कि जैकपॉट चैनल बंद हो जाए, मैं इस कार्यक्रम को ही बंद कर दूंगा। पैसा तो मैं अपने दूसरे हिट कार्यक्रम, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, से कमा लूंगा। नो नेवर, ये नहीं हो सकता। हमारे इस कार्यक्रम की रेटिंग हिमालय से भी ऊंची है, और फिर हम करोड़ों रुपये दे चुके हैं। अगर अब इसे बंद किया गया तो बहुत नुकसान होगा। हम पिछले 40 कार्यक्रमों से इसी उम्मीद पर इस कार्यक्रम को चलाए जा रहे हैं कि शायद
अगला प्रतियोगी करोड़पति नहीं बनेगा। मेरा विश्वास है कि जैकपॉट सर, कि अगला कंटेस्टेंट करोड़पति नहीं बनेगा, क्योंकि हम पहला सवाल ही मुश्किल वाला पूछेंगे। ही। डॉट कॉम के चेहरे पर खुशी ही खुशी फैल गई। मेरा ये आदमी करोड़ी भी करोड़ों रुपये जीत गया। करोड़ रुपयों की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई, पर मुझे तो सेंचुरी भी बनानी है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने टीपू नाम का यह कंप्यूटर स्टूडियो बनाया। इसे इंटरनेट के जरिए जैकपॉट चैनल वालों के कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया, जिससे कि टीपू कंप्यूटर कार्यक्रम पे पूछे जाने वाले सारे प्रश्न उसके कंप्यूटर से टीप कर मेरे पास पहले ही पहुंचा देता है। करोड़पति कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कंटेस्टेंट्स का चुनाव भी चूंकि कंप्यूटर ही करता है, इसीलिए हर बार मेरा आदमी ही कंटेस्टेंट बनता है और फास्टेस्ट फिंगर में जीत कर हॉट सीट पर पहुंचता है। फिर मेरे टीपू का काम होता है उन प्रश्नों के सही जवाब कंप्यूटर पे ढूंढकर उनके जवाब कंटेस्टेंट के कान में लगे ईयरफोन के जरिए उस तक पहुंचाना। पर अब हमेशा की तरह मैं हमारे कमांडोज 50-50, फास्टेस्ट फिंगर और हॉट सीट को तैयार रहने का आदेश देता हूँ, ताकि जब करोड़ी करोड़ रुपये लेकर स्टूडियो से बाहर निकले तो उसकी हिफाजत में कोई कमी ना आए। कंप्यूटर भी बहुत खुश था। सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देकर मैं भी 1 करोड़ रुपये जीत गया। ही। तू खोटा सिक्का भी नहीं जीता, क्योंकि तुझे जैकपॉट वालों ने प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा थोड़े ही था। ही। कंप्यूटर तू निराश मत हो। तू भले ही रुपये नहीं जीता, मगर तेरे सही जवाबों से मुझे एक धांसू आइडिया आ गया है। ये समझ कि हमें काम मिल गया है। हम भी जैकपॉट करोड़पति में हिस्सा लेंगे और प्रश्नों के उत्तर देकर जीतेंगे ढेरों रुपये। पर सारी नॉलेज तो कंप्यूटर को ही है, कंप्यूटर को नहीं, कंप्यूटर के कंप्यूटर को। तू घबरा मत शूटर, पहले हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर अब पता है। जैसे कार वाहन क्या चीज़ होती है, स्त्री जी किसे कहते हैं, हफ्ता लेना क्या होता है, चाय मीठी होती है। कुछ बातों की जानकारी मैं तुम्हें अपने कंप्यूटर से दे दूंगा, फिर तो हम जरूर जीतेंगे। तो फिर हो जाओ तैयार। पर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? बहुत आसान है। अभी अभी जो आदमी जैकपॉट करोड़पति बना है वो अभी स्टूडियो में ही होगा। वो जब बाहर निकलेगा तो हम उससे पूछ लेंगे कि हॉट सीट तक कैसे पहुंचा था। ये तो बड़ा आसान रास्ता है। तो फिर जल्दी चलो, मुझे जैकपॉट स्टूडियो का रास्ता पता है। हम गटर गटर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। टॉर्च जहां पहुंचते हैं वहां कभी कभी गड़बड़ के आसार भी पैदा हो जाते हैं। वह प्रतियोगी करोड़ों बाहर आ रहा है। जल्दी चलो, कहीं वो अपनी कार में बैठकर चला ना जाए। हमें बताए बिना कैसे जाएगा? धम, उछलने वाले गैंग के आदमी, ये जरूर मेरा 1 करोड़ रुपया छीनने आए हैं। धम, डॉट कॉम कमांडोज एक्शन। मास्टर, एक्शन का मतलब तो लड़ाई होता है। ये अपने आदमियों को लड़ाई के लिए बुला रहा है। बुलाने दे तो हम कौन सा कम है। मास्टर, ये मरियल जैसा आदमी हमसे लड़ने के लिए निकल रहा है। ही। अबे ओ चटनी के, मरियल किसे बोलता है? मेरा नाम 50-50 है। मेरी माँ कमजोर थी, बाप ताकतवर, इसलिए मैं ऐसा पैदा हुआ, यानी आधा कमजोर आधा ताकतवर। आओ धाम, मैं हर काम 50-50 करता हूँ। 50-50 रोता हूँ, 50-50 हंसता हूँ, 50-50 खाता हूँ, 50-50 पीता हूँ, 50-50 पीटता हूँ, 50-50 पिटता हूँ। चल उठ, एक गुस्सा मैंने तुझे मारा, अब एक तू मुझे मार। कंप्यूटर जरा बोलियो तो। कंप्यूटर, सबको एक साथ एक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो कर्टर ही काफी है। कर्टर एक्शन। या कर्टर तो गुस्से में था ही। आ हाँ, कमजोर वाले हिस्से पर नहीं, कमजोर को तो कोई भी मार देगा। ही। दम है तो इधर मार, ताकतवर वाले हिस्से पर, वरना तेरी ताकत का ही पता कैसे चलेगा। धाड़, यह हुई ना कोई बात। ही। अब एक मैं मारूंगा, इस बार
मैं तुझे लात मारूंगा। धाड़। हिसाब 50-50 रहेगा। अब तू भी मुझे एक लात मार। ही। लात का हिसाब बराबर हो गया। धाड़। अब मैं तुझे सिर की टक्कर जड़ूंगा। अरे तू तो वार बचा गया। मैं खामखा ही लड़ रहा हूं। ये लड़ाई तो बहुत जल्दी खत्म हो सकती है और जीत भी मेरी होगी। अब तू मुझे सिर की टक्कर जड़, मैं भी तेरा वार बचाऊंगा। ही। जा, मैं नहीं मारता। यार समझा कर, लड़ाई करने के लिए तेरा मुझे मारना बहुत जरूरी है, वरना मैं तुझे कैसे मारूंगा। मैं नहीं मारता, कर ले, तू क्या करेगा। यह बात, तू नहीं मारता तो जा, मैं भी नहीं मारता। हाँ नहीं तो, तो फिर मेरी तेरी लड़ाई खत्म। ही। अजी ऐसे कैसे खत्म हो गई। तेरी मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं तेरे वार करने का इंतजार करता हूँ। करता रहे, ये नहीं लड़ेगा तो ये मेरा पैसा छीन लेंगे। ऐसे कैसे छीन लेंगे, फास्टेस्ट फिंगर तो है, इससे मैं लड़ूंगा। कंप्यूटर बोल। चटर 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 चटर। मास्टर एक्शन। हिया। आई इसके सिर की जगह पर ये पाँव कहाँ से आ गए। सुन, क्योंकि मैं अपने पैरों की बजाय हाथों की उंगलियों से अधिक तेजी और फुर्ती के साथ चल सकता हूँ और लात से तुझे पीट सकता हूँ। राख। मेरा शिकार अगर मेरी तरह मोटा हो तो मैं उसे उंगली से गुलगुली भी कर सकता हूँ। हंसाने से सामने वाली पार्टी को गुस्सा नहीं आता। ही। लड़ाई में अगर गुस्सा नहीं आता तो वो लड़ भी नहीं पाता। ठाक। फास्टेस्ट फिंगर अपनी विशेष वैक्यूमाइज्ड उंगलियों से झटपट उस पोल पर चढ़ गया और धाड़। इस बार वो उछला तो मास्टर के कंधों पर सवार हो गया। कठफोड़वे की तरह तेरी खोपड़ी को मेरी उंगलियां तोड़ देंगी। ताड़ ताड़। फास्टेस्ट फिंगर फिर से उंगलियों पर आ खड़ा हुआ। बच्चू तेरी चाल मैं समझ गया। अब मैं तुझ पर पोल वॉल्ट के प्रहार करने का तरीका बदल दूंगा। मास्टर ने एक झटके से फास्टेस्ट फिंगर को सीधा खड़ा कर दिया। पहले तो तू सीधा खड़ा हो, क्योंकि मुझे तुझे कुछ काम की बातें बतानी है। 50-50 को अब भी कर्टर के वार का इंतजार था। देख मैं कहता हूँ, अभी भी टाइम है, मुझे मार। नहीं मारता। मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर मैं भी जा रहा हूँ। मास्टर फास्टेस्ट फिंगर को समझा रहा था। मेरी बातें ध्यान से सुन फास्टेस्ट फिंगर, बाद में तेरा दिल करे तो लड़ लियो, लड़ने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। चटर चटर। ये जो तू चटर चटर अपनी उंगलियां छटकाता रहता है ना, तुझे पता भी है ये उंगलियां इसके अलावा भी तेरे कितने काम की है। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता। तो फिर सुन, तेरी ये जो पहली इंडेक्स उंगली है ना, इससे इशारे करते हैं। अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो जरा सोच, तू फिर इशारे कैसे करेगा। तू दूसरे को कैसे बताएगा कि तुझे वो चीज चाहिए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और ये जो दूसरी मिडिल फिंगर उंगली है, इससे गुलगुली करते हैं। अगर मुझसे लड़ाई करते वक्त ये टूट गई तो तू गुलगुली किससे करेगा। अबे हाँ। और सुन, इस तीसरी उंगली रिंग फिंगर में शादी की अंगूठी पहनते हैं। अगर ये चलते चलते टूट गई तो तू अंगूठी कैसे पहनेगा। तेरी शादी कैसे होगी बेवकूफ। मैं कुआरा मर जाऊंगा। बू बू। और ये सूसू उंगली लिटिल फिंगर है। अगर ये टूट गई तो तू ये कैसे बताएगा कि तुझे सूसू आया है। अबे तेरी तो पैंट गंदी हो जाएगी कि नहीं, बोल जल्दी बोल। अगर ऐसा हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बुहू बुहू। अब बचा, अब आखिरी बचा ये अंगूठा। इसके बारे में भी जल्दी से बता दे। इसके बारे में बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। और अंगूठा तो तुझे मैं ही दिखाऊंगा। पता है इसका मतलब क्या होता है। नहीं। इसका मतलब होता है अंगूठे देखने वाले की हार और दिखाने वाले की जीत। ही। धाड़। वो देख, तेरा आदमी फास्टेस्ट फिंगर कपड़े सुखाने की रस्सी पर टंगा सूख रहा है। हाँ हॉट सीट, तू अभी तक क्यों नहीं आया। अपने आप को गर्म करने के लिए जिस तार से मैं बिजली ले रहा था, उस तार की बिजली गई हुई थी, पर अब आ गई है।
इसलिए मैं भी आ गया हूं। इससे मैं लड़ूंगा। शूटर एक्शन, साए भक। मेरे होट ग्लव से निकली भाप तेरे इन घुसापानों को गला देगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये मजेदार कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।